extra time. कैसे एक माँ के बलिदान ने एक इंडियन क्रिकेटर का करियर बना दिया। यहां बात हो रही है इंडियन क्रिकेटर हनुमा विहारी की। आज वो जो भी हैं, वो अपने माता विजय लक्ष्मी जी के बलिदानों के बदौलत हैं। और इसके साथ साथ हनुमा विहारी का अपना हार्ड वर्क भी है। विजय लक्ष्मी जी को जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला लेना था जब उनके हस्बैंड गुजर गए थे, कि या वो नौकरी करें या फिर घर पे ही रहकर अपने बेटे की देखभाल करें और उसके क्रिकेट करियर पर फोकस करें। हनुमा विहारी बचपन से ही क्रिकेट बहुत पसंद किया करते थे। उनके माता पिता ने उन्हें खम्मम डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट अकेडमी में एनरोल करवाया जब वो सिर्फ 8 साल के थे। वहां कुछ महीने बिताने के बाद विहारी को पूर्व हैदराबाद क्रिकेटर नागेश हेमंड के कोचिंग सेंटर ले जाया गया। वहां हेमंड साहब ने विहारी के पेरेंट्स से कहा कि इनको स्पेशलिस्ट कोच के जॉन मनोज के अंडर ट्रेनिंग कराने को दिया जाए, और मनोज साहब के अंडर ही हनुमा विहारी की टेक्निक और बेहतर हुई बैटिंग की। पर जब हनुमा विहारी 11 साल के थे, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पिताजी गुजर गए। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे थी कि आगे क्या करना है ये कुछ निश्चित नहीं था। यहाँ पर विहारी की माता विजय लक्ष्मी जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक, या तो जहाँ उनके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे वो जॉब उनको मिल रही थी, वो जॉब ले लेने की, या फिर नौकरी नहीं लेने की और उसके बदले 22,000 रुपये के मंथली पेंशन पर पूरा घर चलाना और साथ में हनुमा विहारी के क्रिकेट करियर को भी संवारना। विजय लक्ष्मी जी ने दूसरा ऑप्शन लिया। उन्होंने नौकरी नहीं की और जो पैसे उनको उनके हस्बैंड के कंपनी से मिले उससे उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। वहां उन्होंने एक कंक्रीट का स्लैब डलवाया जिससे कि हनुमा विहारी उस पर प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद उन्होंने एक बोलिंग मशीन भी खरीदी जिससे कि हनुमा विहारी और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाए और अपने खेल को और बढ़िया कर पाए। इतने सारे बलिदान विजय लक्ष्मी जी के फाइनली रंग लाए जब हनुमा विहारी को पहली बार इंडियन टीम में चुना गया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने के लिए, और उनका टेस्ट मैच डेब्यू हुआ अगस्त 2018 में। हनुमा विहारी ने टीम मैनेजमेंट को निराश नहीं किया और अपने पहले ही इनिंग्स में शानदार 56 रन बनाए सिर्फ 124 गेंदों में एट दी ओवल ग्राउंड पर। उसी टेस्ट मैच में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एलिस्टर कुक का विकेट भी लिया जो कि अपने करियर का फाइनल टेस्ट मैच खेल रहे थे। उनके टेक्निक और टेम्परामेंट को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें 2019 के वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी टीम में रखा। इसी दौरे के पहले टेस्ट मैच में जो कि एंटीगा में हो रहा था, उसके सेकंड इनिंग्स में हनुमा विहारी ने शानदार 93 रन बनाए सिर्फ 128 गेंदों में, और सेकंड टेस्ट मैच में जो कि सबाइना पार्क जमैका में हुआ था, हनुमा विहारी ने अपना सबसे पहला टेस्ट शतक जड़ा। अपने छोटे से टेस्ट करियर में हनुमा विहारी कई बार ये दिखा चुके हैं कि एटलीस्ट टेस्ट टीम में हनुमा विहारी बहुत लंबे समय तक अब इंडियन टीम का हिस्सा रहेंगे। 9 टेस्ट मैचेस में अब तक उन्होंने 552 रन किए हैं 47 के सॉलिड एवरेज के साथ। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.